बात नहीं है, इसके अलावा भी कई सारी कंपनियां हैं जो निवेशकों का पैसा भुगतान करने को तैयार नहीं है। यहां पर हमारे साथ कई सारे निवेशक मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ समस्याएं इस वजह से उनको हो रही है। आप जीएन ग्रुप ऑफ कंपनीज, आधार इंफ्राविजन, इस तरीके की बहुत सी कंपनियां मार्केट में आई जिन्होंने यहाँ पे ग्राहकों के साथ में उन्हें लोक लुहावने जो प्रस्ताव दे करके और यहाँ पे लूटने का जो कार्य किया है, और जिससे हम आहत हैं और आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और हमारा ये ऐलान है कि अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ तो 2024 में हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। जी, मतदान का बहिष्कार करने की मांग जो है यहाँ पर हर कोई कर रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कितना पैसा आपका फंसा हुआ? हमारे करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। मैं बाड़मेर राजस्थान से, वहाँ से सहारा में और काफ़ी कंपनियों में फंसे हुए पैसे, लोग परेशान हो गए, उनकी हालत ख़राब है। कई लोगों ने तो अपनी आत्महत्या कर चुके, लोग परेशान हैं। कार्यकर्ता एजेंट अगर घर से बाहर निकले तो कोई न कोई मांगने वाला तैयार रहता है, इससे परेशान हो गए। ना सरकार सुनवाई कर रही है, ना कंपनी के प्रतिनिधि कोई सुनवाई कर रहे हैं, ना कोई जवाब, ना उनका जमाकर्ताओं का पैसा मिल रहा है। इसलिए हमने बस एक ही है, 2023 में इन ठगों को भगाना है। और जो ये सरकार है, जो वादे पे वादा करके और कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं को परेशान कर रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार ना रहे और न्याय करने वाले अधिकारी आए और लोगों को गाड़ी कमाई की पैसे, उनकी मेहनत की कमाई को वापस उनको लौटाए, और विथ ब्याज मतलब इंटरेस्ट, लोगों ने 10-10, 15-15 सालों से पैसे जमा करवाए तो उसमें से किसी को एक पैसा वापस नहीं दिया गया, और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी आश्वासन पे आश्वासन, पैसी पे पैसी पे कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए आप सभी से, जो भी न्यूज़ चैनल की टीम है, उनसे भी हमारा आग्रह है कि सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए और जमाकर्ताओं का तुरंत पैसा लौटाया जाए, ताकि उनमें एकदम शांत, देश में शांति रहे। लोग उग्र है, लोग आंदोलन करेंगे, फिर तोड़फोड़ करेंगे और अपना हक तो लेके रहेंगे। अच्छा, कितना उग्र होने वाला है ये आंदोलन अगर आप लोगों को इसके बाद भी कोई राहत नहीं मिलती? नहीं मिल रहा, रात मिलेगी तो उत्पादन में चाह देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे, यहाँ छूटेंगे नहीं, मरना मंजूर है पर पैसा लेना मंजूर है हमको। मेरा पैसा चाहिए हमें। देखिए, इस प्रदर्शन में हमारे साथ जो है कई महिलाएं भी मौजूद है जिनका पैसा सहारा कंपनी के अलावा दूसरी कंपनियों में फंसा हुआ है, तो चलिए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मांगे और कितनी समस्या इस चीज़ को लेकर हो रही है। आप भी आज यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं, तो क्या क्या मांगे हैं आज आप लोग? जी, हमारे पैसे 1 लाख से ऊपर पैसे फंसे हुए हैं यहाँ, दो दो कंपनियों के 1-1 लाख रुपए, और कम से कम 12-13 साल हो गई जी, हमारे पैसे नहीं मिल पा रहे। 12-13 साल हो गए, कहाँ से आई हैं आप? हम मोदी नगर से आए हैं, जिला गाजियाबाद से। क्या लग रहा है, इस प्रदर्शन के बाद कोई राहत मिलेगी या नहीं? बताना जी, अब तो हम भागे फिर रहे हैं, कभी गाजियाबाद, कभी हापुड़, कभी बुलंदशहर, बहुत ज्यादा परेशान है। इस चक्कर में हम कहीं गाजियाबाद जा रहे हैं, कहीं हापड़ जा रहे हैं, कहीं बुलंदशहर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं, हमारा बहुत पैसा फंसा हुआ है। हाँ जी, क्या कुछ समस्याएं हो रही है आप लोगों को? देखो, समस्याएं तो सारी ही हैं, जब इधर भी उधर भी सारे में भागे फिर रहे हैं, इसीलिए तो फिर रहे हैं कि हमें पैसा मिल जाए जो हमने जमा करा है। जब कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे जवान हो रहे हैं, लड़की जवान हो रही है, उसकी शादी करनी है लड़की की, अब बताओ पैसा नहीं मिलेगा तो कहाँ से शादी करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री जी से मिलने का भी कार्यक्रम है, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो पाएगी? नहीं हो पाएगा। क्या रणनीति रहने वाली है? आप 2 साल पहले भी यहाँ आ चुके हैं, आज से 2 साल पहले भी आ चुके हैं, उस टाइम पे भी अपने घर से बात कर रहे थे, लेकिन बाहर नहीं आए, ये कहने लगे बाहर नहीं आए, पब्लिक इतनी ही, इससे ज़्यादा भी ही, लेकिन बाहर नहीं आए थे। उन्होंने कहा मेरे पास 2 आदमी आ जाओ, हम इतनी भीड़ में से 2 आदमी कैसे वहाँ भेज दें जब वो बाहर नहीं आ रहे हैं।
उनको तो किसी से खतरा नहीं, हमको तो सबसे खतरा है। अगर हमें हमें सबसे खतरा है, वो अकेले होकर वे बाहर नहीं आ सकते, कह रहे फोन पे बात कर लो, नहीं तो दो आदमियों को अंदर भेज दो। हम ऐसे दो आदमियों को किसको अंदर भेज दें? क्या भरोसा? जब आपने हमारा पैसा नहीं दिया है तो बताओ हम आपका क्या भरोसा कर लें? जब हम 12-13 साल से परेशान हैं, अपना पैसा भर रखा है हमने, और फिर भी हम ही भागा दौड़ी कर रहे हैं, तो परेशान हमें या वो है? परेशान तो हमें। अच्छा, लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इसके बाद भी कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कहाँ कमी आ रही है, क्या लग रहा है? क्या कमी है? सब सरकार की कमी है और किसी की कमी नहीं है, किसी की कमी नहीं, सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी ये है, मोदी वो है। बताओ गरीबों के लिए क्या कर रहा मोदी, ये बताओ? गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे मोदी, गरीब भूखे मर रहे हैं। गाँवों में जाकर देखो, गरीबों की सिर पे छत भी नहीं है, हैं? अब बताओ गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा? सरकार के घर का पता मालूम नहीं। मेरा 20 लाख रुपया जमा है, मैंने अपनी लड़कियों के लिए किया था, हैं, उस शादी के लिए किया था, लेकिन नहीं मिला, नहीं मिला। मेरे हस्बैंड हार्ट अटैक से चले गए, हाँ। अब बताओ मैं कैसे करूँगी अपनी बच्चों की शादी, बताइए। आज सरकार के लिए देखो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आप भी देख रही हैं। जनता कह रही है कि पहले भुगतान उसके बाद मतदान, कितना? हाँ बिल्कुल, हाँ यही ना, भुगतान फिर उसके बाद मतदान, उसके बाद ही हम वोट देंगे, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। पहले भुगतान फिर मतदान, हाँ पहले हमारा भुगतान करो जब वोट देंगे, नहीं हम वोट नहीं देंगे अब किसी को भी। पहले हमारा भुगतान करेंगे फिर वोट देंगे। हम राजसमंद जिले से। कितना पैसा आपका कब से फंसा है, और इसके बावजूद जो है कोई लोग जो है कोर्ट की कार्रवाई भी कर रहे हैं, कई लोग वैसे भी कार्रवाई कर 15 साल से भागी। 15 साल से क्या लग रहा है आपको, राहत मिलेगी या अभी भी आप लोगों को इसी तरीके से जो है और प्रदर्शन करना पड़ेगा? हाँ तो करने पड़ेगा, संघर्ष करेंगे हम लोग। पैसा जब तक नहीं मिलेगा इतने हम बैठेंगे नहीं चैन से, जब तक हमारा पैसा इतने चैन से नहीं बैठेंगे, और फिर आगे को ये सरकार को रद्द कर देंगे हम, हाँ। क्योंकि अब सरकार केंद्र में अब नहीं करा रही तो बाद में क्या कराएगी? हमारे दुख में दर्द को समझ नहीं रहे हैं। हमारे साथी कई लोग फांसी खा के मर गए, तो बच्चे भूखे प्यासे हैं उनके, तो मोदी जी को तो उनका तरस है नहीं। तो वोट ही एक ऐसा हमारे पास चाबी है जो हम इसको गिरा सकते हैं। जिस तरीके से जो है सहारा के एजेंट घर से जब निकलते हैं तो उनको जो है लोग पैसा मांगने के लिए जो है कहते हैं, और कहते हैं कि कब तक लौटाओगे, तो आपको भी इस तरह की कोई समस्या हो रही है? हाँ बहुत हो रही है, हमें तो निकलना दुश्वार हो रहा, लोग बाग हमारी बेइज्जती करते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, पीटते हैं, कहाँ से दें हम उनका पैसा? दे तो दिया हमने इन लोगों को पैसा, और मोदी जी ने इनको परमिशन दी है, क्यों नहीं इन्हें पकड़ रही है? जबकि ये कहते हैं कि जमीन में से चोर को निकाल लेती है फिर शासन, और शासन क्यों नहीं पकड़ रहे उन्हें, क्यों नहीं दिला रहे हैं? तो ये इसका मतलब ये मिली भगत है, आप ही बताओ मिली भगत है? तो हमारी तो ये है कि हम लोग जब तक चैन से नहीं बैठेंगे तब तक हमारे लोगों का पैसा नहीं मिलेगा। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सीधा हमारा सिद्धांत ये है कि हम वोट नहीं देंगे, हम ये सरकार नहीं चलाएंगे। अच्छा, ये जो सहकारिता मंत्रालय ने सेबी खाते से 5,000 करोड़ जो है निकालने की देने की अनुमति दे दी है, तो क्या लग रहा है ये पैसा जो है सभी के लिए है या सिर्फ सोसाइटी वालों? ये तो सभी के लिए है, राजकोष से नहीं। और सुनो, ये जो राशन का जो प्रलोभन दे रखा है, फ्री राशन दे रहे हैं, हमें वो राशन नहीं चाहिए, हमारा पैसा वापस चाहिए। और हमारे युवा भाइयों जो लड़के पढ़ लिख के भी बेरोजगार डोले उनको रोजगार दे, हम तो मोदी जी को बैठ के खिला देंगे और उल्टा राशन, हमें इस राशन के मतलब नहीं, हमारा जो हक है उसे दीजिए, हमें रोजगार दीजिए हमारे बच्चों को। राशन बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है कि देश के लिए राशन है, बहुत सब कुछ है। जो ठगी पीड़ित परिवार है उनका पैसा चाहिएगा, जैसे प्रिज्म इंफ्राकान है, एल्केमिस्ट है, और सहारा है, PSEL है, और अमूल संचय है, अगर वगैरह जितनी भी कंपनियां, इन सब का ठग पीड़ित के परिवार का पैसा वापस करवाए सरकार। सत्तारूढ़ी दल और विपक्ष क्या कर रही है, क्योंकि लगातार कुछ नहीं कह रहा है मैडम। सत्ता दल विपक्ष सब भ्रष्ट बैठे हुए हैं, सभी नेता भ्रष्ट है, सभी किसी कंपनी में लिप्त है, हर नेता हर कंपनी में लिप्त है, इसलिए पेमेंट नहीं हो रहा है। अगर नेता चाहे तो एक दिन में भी पेमेंट हो सकता है, उनकी ठगों की कंपनियों की
इतनी जमीन पड़ी हुई है कि सारी जनता का 42 करोड़ जनसंख्या है उसका जो ठग पीड़ित है उनका पेमेंट एक दिन में हो सकता है। मोदी जी एक दिन ऐलान कर दें कि ठग पीड़ितों का पेमेंट एक दिन में हो जाए, जैसे कि एक दिन में देश को थालियां भिजवाएं देश के अंदर कोरोना काल में, एक दिन में नोटबंदी की पैसे भी आज वो आदेश दें सभी राज्य एक दिन में सभी ठग पीड़ित लोगों का पेमेंट एक दिन में भी कर सकते हैं एक दिन के अंदर, क्योंकि उनके पास सबके जमीन है, सारा के पास भी है, कलपतरबू के पास है, पिनकोन ग्रुप के वाले मनोजनों के पास है, सभी जो ठग हैं उनके पास काफ़ी संपत्ति पड़ी हुई है, उनको राज्य के प्रत्येक मंत्री उनकी संपत्ति को बेचकर पब्लिक का पैसा वापस कर सकते हैं, उनके हाथ में है, जब चाहे जब कर सकते हैं, लेकिन ये जनता अब जाग चुकी है, अपना पेमेंट लेकर रही, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय भवन में जो संसद में पास हुआ है जो कानून बर्ड्स एक्ट 2019 उसके तहत हमें पेमेंट निश्चित मिलेगा, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक एक्ट बना के 2019 में तैयार किया है और सभी देशों में लागू किया है, कुछ राज्य के मंत्री इस एक्ट को नहीं मान रहे हैं, अभी लागू नहीं किया है कि अपने आवेदन नहीं ले रहे हैं, हमारे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया है, उन्होंने बोल दिया है कि मैं 2023 में सबका पेमेंट उत्तर करा दूँगा, आगरा आए थे उन्होंने बोला था, और अभी कुछ राज्य राजस्थान है, अपना बिहार, कुछ झारखंड है, आसाम है, कलकत्ता है, वहाँ कुछ राज्यों में भी बस एक से तेज आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं, तो हमारा माननीय मंत्री मोदी जी से निवेदन है कि बस एक्स 2019 के तहत हमारा जल्दी से जल्दी भुगतान कराने का प्रयास करें, अगर भुगतान नहीं हुआ 2023 और 24 जो जहाँ भी आप मतलब जो चुनाव आ रहा है वहाँ चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जब पहले भुगतान पीछे मतदान, पहले भुगतान पीछे मतदान, ये हमारा नारा है, हम पहले भुगतान लेना चाहेंगे तब मतदान करेंगे, हम उस मतदान का बहिष्कार करेंगे, आज हमारे नारा है मतदान का बहिष्कार करेंगे। ये वाली कंपनी है जी, मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है कंपनी है जिसमें इनका लाखों रुपया फंसा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो है भुगतान करने को कंपनी तैयार नहीं है, जो कर्ता धर्ता है इस कंपनी के वो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, गरीब तबके के लोग हैं, लाखों करोड़ों रुपए लोगों के फंसे हुए हैं, खुलेआम कर्ता धर्ता घूम रहे हैं, लेकिन सरकार कोई लीगल एक्शन नहीं ले रही है इसके बावजूद। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जो काफ़ी परेशान है, तो चलिए उन्हीं से जानते हैं। जी मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका द न्यूज़ 15 का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैडम, जो आप हमारी आवाज़ को बुलंद करने में आप लोग हेल्प कर रहे हैं। मैडम मैं एक सर्विस मैन हूँ और आपको पता है कि एक फौजी का कितना मेहनत का पैसा होता है, 22 साल हमने सर्विस करके जो पैसे हम लाए मैडम, इन ठगों ने जो है हमें जो है लालच दे करके हमारे पैसे को जो हो कर रखा है, और इसके वजह से 10-15 करीब 2-3 साल से हम पूरे परिवार जो है डिप्रेशन में मैडम। तो मैडम मैं आपके माध्यम से मोदी जी को अपील करता हूँ कि इस बर्ड्स एक्ट कानून के तहत हमारा जो 7 दिन से 180 दिन तक के अंदर जो पैसा लौटाने का नियम उन्होंने बनाया है उसको जो है पूरे देश में लागू कराएं, ताकि हम लोग उन्हें मतदान दे सकें, अन्यथा हम लोग मतदान का जो है विरोध करेंगे, उन्हें मतदान नहीं देंगे। मेरा KVCL कल्पतरु कंपनी में पैसा था, वो टाइम पे पैसे भी नहीं दिए, और एग्रीमेंट दिया था जमीन का, जमीन भी नहीं दिया, और बैंक के चेक दिए थे वो बाउंस हो गए, अब मेरा केस चल रहा है, वकील पैसे मांगता है, अब कोई परेशानी बहुत उठानी पड़ रही है हमको, बर्ड्स एक्ट बना दिया वो भी लागू नहीं हो रहा मैडम, दूसरा हमने वो भविष्य कोऑपरेटिव जमा कराए थे वो भी बंद है, उस पर लिक्विडेटर बैठा दिया, कोई जांच नहीं हो रही, टाइम लगा जा रहा है, पैसे मिल नहीं रहे, अब क्या करें, बहुत परेशान जी। मेरठ से आए हम, इसी वजह से पैसे की वजह से ही कागज़ बहुत सारे जमा कर रखे हैं कि कई जगह केस डाल लिया है, मतलब पैसे नहीं मिल पा रहे हमारे। क्या कुछ परेशानी मैम? हमारी लड़की जवान हो रही है, मिसाल के तौर पर हमने पैसे जमा कर रखे हैं, अब जो वहाँ से पैसे नहीं मिलते हैं, अब ये कागज़ कंपनी का कागज़ मिला है, फिर दोबारा से पैसे नहीं मिल पा रहे जी, बहुत बहुत परेशानी हो रही है, इधर से लॉकडाउन की मारा मारी, वैसे इधर मजदूरी नहीं लग पाती है, तो इस वजह से मैम हम चाह रहे हैं कि हमारे थोड़े आंदोलन कब तक चलने वाला? जब तक पेमेंट नहीं होगा जब तक आंदोलन चलता ही रहेगा हमारा, जब तक आंदोलन चलता रहेगा, जब तक ले पैसा नहीं मिलेगा तब तक ले आंदोलन चलेगा।
हम लोग का जो भी है पैसा वो मिलना जरूरी है, क्योंकि गरीब व्यक्ति का, पीड़ित परिवार का हम लोग हैं, जो कि गवर्नमेंट कंपनी को रजिस्टर्ड करवा के फिर वही सील कर दिया, और आज हम लोग पीड़ित परिवार जो कि पैसा किसी को नहीं दे रहा, हम लोग को एजेंट लोग को पूरा मार धार, गरीब परिवार लोग पैसा के लेके आत्महत्या लोग कर रहे हैं, बहुत सा समस्या आ रहा है, किसी का बेटी का विवाह है, किसी का कुछ, किसी का बीमारी, बहुत तरह का समस्या आ रहा है, उससे हम लोग झेल रहे हैं, किसी किसी एजेंट के ऊपर केस हो जा रहा है जो कि जेल जा रहे हैं, प्रशासन लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है, बॉट्स एक्ट के विषय में किसी को अदर कंट्री में पता भी नहीं चल पा रहा है कि क्या है, लेकिन सिस्टम को जानने के बाद हम लोग को भी पता चला कि बॉट्स एक्ट क्या है, इसके तहत पीड़ित परिवार को पैसा मिल सकता है, इसलिए हम लोग आज जनता मतलब दिल्ली आए हैं गढ़वा जिला से। रणवीर विश्वकर्मा, देखिए यहाँ पर जो है कई सारे गरीब तबके के लोग हैं जिनको काफ़ी परेशानी हो रही है, सहारा निवेशकों के भुगतान का ये प्रदर्शन जो है उग्र होने की चेतावनी भी ये लोग जाहिर कर रहे हैं, इसके कारण किसी की जो बेटी है शादी के लिए घर बैठी हुई है, जो सहारा एजेंट है वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लोग आत्महत्या पर आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, लोगों का यही कहना है कि अगर कोई जल्द ही इस दिशा में एक्शन नहीं लिया गया तो ये आंदोलन जो है और उग्र होगा, और जो आने वाला चुनाव है उसमें मोदी जी का बहिष्कार किया जाएगा। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 50।